नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, हर तरफ एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि बाजार 11,000 हो जाएगा, बाजार 11,200 हो जाएगा, बाजार 11,400 हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि बाजार किस तरफ चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें हमारा पैसा बचाने में इस समय मदद कर सकती हैं। दोस्तों, ये वो टाइम है जहां पे जब पूरी दुनिया को ये विश्वास हो जाए कि बाजार में कोई खराबी नहीं बची, उसी समय बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो हाई पे माल खरीद लेते हैं। अब इसको आप कहेंगे हाई क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, जो 7,500 का लो बाजार ने टच किया था, वहां से बाजार ने जो रिट्रेसमेंट की है, जो बाजार वापस आया है, 10,600 को भी इसने पार किया, 10,740 को भी इसने पार किया। आज बाजार लोगों को बिल्कुल ये ब्लफ करने में कामयाब हो रहा है कि हाँ, ये वाकई तेजी है, वाकई रिकवरी है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि रिकवरी के मायने होते क्या हैं। दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, समझने में कि क्या ये तेजी वाकई परमानेंट तेजी है या एक टेम्परेरी तेजी है या एक स्पेकुलेशन मूव था या क्या था, आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए, यहाँ पे पोजीशंस और ऐड करनी चाहिए या आपको नए ब्रेकआउट की तैयारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट को जानते हैं, बहुत समय से देख रहे हैं और आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे और बाजार में ये भी देखा होगा कि कौन कौन सी न्यूज़ का बाजार में कैसे कैसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे समय इतना सेंसिटिव है कि लोग कन्फ्यूज हैं, नहीं मालूम कि क्या करें। दोस्तों, रुचि सोया, अलोक इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। BHEL के ऊपर लास्ट मंथ वीडियो बनाया था जब 28 रुपये के आसपास था, 7.5 करोड़ की डिलीवरी जब उसमें उठाई गई थी, तो हमारा अनुमान था कि 42 रुपये तक वो जा सकता है और आज का ही है 41.50 रुपीज़। दोस्तों, बाजार कैसा भी हो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। बाजार में अगर आप अच्छी वैल्यू बाइंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कौन से स्टॉक्स आपके काम आ सकते हैं, तो आपको बाजार हमेशा सरप्राइज करेगा, बाजार हमेशा से आपको अच्छी रिटर्न्स जरूर देगा। बट हाँ, इसका ये बिल्कुल भी मायना नहीं है कि हम एक बुल रन में आ चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको समझने में ये मदद करेगी क्या ये बुल ट्रैप है या ये बियर ट्रैप है। हम समझेंगे कि बुल ट्रैप अगर हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर आप फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कैसे किया जा सकता है, अगर आप नए निवेशक हैं तो निवेश के तरीका क्या है, क्या सही तरीका है यहाँ पे बाजार में आने का। इन दिनों मुझे मेरे बहुत सारे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने मुझे बहुत सारी ऐसी स्नैपशॉट्स भेजे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के स्नैपशॉट्स भेजे जहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे कि नए क्लाइंट्स जितने भी हैं वो मुर्गा हैं, उनका बाजार में स्वागत किया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको फंसा रहे हैं। दोस्तों, मैं उन सभी मैच्योर यूट्यूबर्स से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग नए बाजार में आते हैं, चाहे वो 10 लाख नए इन्वेस्टर्स आ जाएं, वो इन्वेस्टर्स के तौर पे आते हैं, वो ट्रेडर्स बन जाते हैं। ट्रेडर बनने में और इन्वेस्टर बनने में हर्ज क्या है? मेरा मानना है स्टॉक मार्केट इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर आपको समझने की कोशिश करेंगे तो बाजार आपको सरप्राइज करेगा, अच्छी रिटर्न्स देगा और शानदार रिटर्न्स देगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जहां पे रातों रात बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, ऐसे सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं जहां आपकी एक अच्छी एंट्री आपको कई साल की रिटर्न्स एक साल के अंदर अंदर दे सकती है। दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़े यूट्यूबर्स से उनसे रिक्वेस्ट है जिनके ऊपर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, 7 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स को मुर्गा कह के उनकी तौहीन ना करें। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए। और एक बात बताइए, जब भी कोई नया आदमी, नया इन्वेस्टर या नया ट्रेडर बाजार में आएगा तो सबसे पहले उसको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना ही होगा। अगर आप खोलना ही चाहते हैं तो आपको अच्छी चुनिंदा बड़ी कंपनियों के साथ ही खोलना चाहिए। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। दोस्तों, फ्री कोई चार्जेस नहीं है, आपकी मर्जी है आप खोले या ना खोले, आपसे कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और मेरे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की, BHEL जैसे शेयर्स की एनालिसिस होती है, इक्विटास जैसे शेयर्स की एनालिसिस होती है, जहाँ हमने इक्विटास को 48 रुपीज़ से रिकमेंड किया, 56 तक चला गया, 20% से ज़्यादा का गेन रहा, BHEL ने तो सरप्राइज कर डाला। ऐसे शेयर्स आपको रिकमेंडेशंस चाहिए, ऐसे शेयर्स के आपको एनालिसिस चाहिए, ऐसे शेयर्स के लेवल चाहिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आज ही एंजल के लिंक पे क्लिक कीजिए और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, वो इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर की जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं।
चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बाजार ने क्या परफॉर्मेंस दी अभी तक और कैसा चला है और ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। मैंने थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें वन डे चार्ट या वन वीक चार्ट नहीं लगा रहा, मैं इसमें मंथली चार्ट पे काम कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, टेक्निकल एनालिसिस की कोई रूल्स नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम करना है। आप 15 मिनट पे काम कर सकते हैं, आप आधे घंटे पे, एक घंटे पे, चार घंटे पे, जहां आपका मन करे, जहां आपको कंफर्ट जोन मिलता हो, जहां आपको लगता है आपका चार्ट क्लियरली आपसे बातें कर रहा है, वहां आप काम कीजिए। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लगाया दोस्तों निफ्टी का। और दोस्तों इस पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक थ्योरी है वो क्या कहती है, फिर हम इस पे फिबोनाची थ्योरी को यूज करेंगे, देखेंगे कि बाजार एग्जैक्टली कहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो बाजार कहां तक जा सकता है, और अगर ये करेक्टिव रैली है तो करेक्टिव रैली कहां पे खत्म हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ गलती हो तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एनालिसिस है, इट कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट आई एम शेयरिंग दिस व्यू ओनली फॉर द एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस, सो एक्सक्यूज मी इफ आई एम रॉन्ग। और कोई भी इसमें गलत और सही नहीं होता है, मुझे इसमें रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं, इसलिए आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने इलियट वेव टूल्स पे और हम यहां से देख लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल 2003 से हम देखते हैं। अगर इसकी रैली, एक जो हमें फॉर्मेशन मिला वेव्स का, ये यहाँ होगा, बहुत बढ़िया। देखिए हमेशा जो सी वेव होती है, हमेशा या तो वो ए वेव के बराबर होती है, उससे बड़ी होती है। मंथली चार्ट को प्लॉट किया है मैंने, और यहां से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर फिबोनाची यूज करने की कोशिश करूं, पूरे कंप्लीट ट्रेंड का फिबोनाची अगर मैं लूं, एक बॉटम से अगर मैं हाई पकड़ने की कोशिश करूं, पूरा कंप्लीट ट्रेंड को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो ये ट्रेंड क्या कहता है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। ट्रेंड ये कहता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम, देखेंगे मंथली चार्ट पे बाजार ने सपोर्ट कहाँ का लिया है, कहाँ का नहीं लिया है। ये पूरी की पूरी रैली जो खत्म हुई थी 12,400 के आसपास, थोड़ा सा कह लेते हैं 12,430 के आसपास, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों ड्रॉ करने में, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाजार में एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये जो रैली चली है 2003 से लेके, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट बोले कि हायर हाई और हायर लो के ट्रेंड को बाजार ने पकड़ा, और अब यहाँ पे एक बाजार ने फर्स्ट टाइम एक लो को, एक पुराने जो प्रीवियस हाई थे उसको तोड़ के एक नया लो बनाया था बाजार ने, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। फिबोनाची अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो बाजार में पूरी कंप्लीट जो चाल खत्म हुई, अब यहाँ पे जो करेक्शन हुई है, करेक्शन को देखने की कोशिश करें, 40% के आसपास बाजार करेक्ट हुए, पूरे वर्ल्ड के बाजार करेक्ट हुए। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और 7,500 के आसपास की लाइन है, ठीक है। 30.38% के आसपास बाजार रिट्रेस कर गया था, मतलब 40% के आसपास की ये कंप्लीट जो रैली थी, इस कंप्लीट रैली का बाजार 40% करेक्ट हुआ। आपको हैरानी होगी, देखिए बाजार कैसे चलता है। यहां से बाजार जब करेक्ट हुआ, यहां से फिर से एक रैली स्टार्ट हुई, जिसको जब हम बाजार में करेक्शन आती है, करेक्शन में एक रैली स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज करेक्टिव रैली। और लाखों रुपए के कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर में, चलिए कोई बात नहीं, आज ये फ्री में आपके लिए ज्ञान है। और इस पे अगर हम देखने की कोशिश करें कि करेक्टिव रैली क्या कहती है, अगर हम यहां से ये रैली हमारी कंप्लीट हुई है, ये कहां पे खत्म हो सकती है, ये जो वेव होगी ये हमारी कहां खत्म हो सकती है, बी वेव कहां खत्म होगी, सोचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर हम मान के चले कि अभी बाजार चल रहा है, बाजार ने कौन से लेवल्स को रिट्रेस किया, कौन से लेवल्स से बाजार चला है वो समझ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाजार यहां से कितना करेक्ट हुआ, पहले वो देखने की कोशिश करते हैं, और यहां से फिर से हम फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हाई को पकड़े और ये बॉटम को अगर हम पकड़े। चलिए तो यहाँ पे क्या लेवल्स निकल के आते हैं दोस्तों, इसको समझाने के लिए इसी को हम थोड़ा सा यहाँ ट्राई कर लेते हैं, इवन प्ले विद द चार्ट, तो ये मूव यहाँ पे हमें नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई दे जाएंगे, और थोड़ा देर कर लेते हैं कि एग्जैक्ट इस मूव को हम पकड़ने की कोशिश करें। तो दिस वॉज दी मूव, ओके। अब यहाँ पे देखिए बाजार ने कौन से लेवल को अप्रोच किया है, बाजार जब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट हुई है, करेक्शन वापस आई है, तो बाजार ने 0.38, 0.236 का क्रॉस किया, 0.382 लेवल से ऊपर क्रॉसिंग दिया है, 0.5 मेजर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 10,000 का लेवल, इसको भी बाजार ने क्रॉस किया, 10,000 के लेवल को बाजार ने क्रॉस किया। अब 0.5% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्रॉस करते हुए बाजार 0.618%, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो करेक्टिव रैली हमारी चल रही है, दिस कुड एंड समवेयर अराउंड 0.618 लेवल, 10,600 के आसपास में, प्लस माइनस 100, 150, 200 पॉइंट, आज बाजार ने 10,700 को भी पार कर दिया, तो यहां से बाजार
अगर बाजार यहां से ऊपर जाता है तो बाजार 0.786%, मतलब ये करेक्टिव रैली क्या 11,436 पे खत्म होगी, ये चौंकाने वाली बात होगी। अगर बाजार यहां पे खत्म होती है तो सब कुछ बुल ट्रैप है दोस्तों, कंप्लीट बुल ट्रैप है, जितने भी बुल्स हैं यहां ट्रैप हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है दोस्तों, देख लीजिए, वैसे 0.618 को बाजार बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं करता है। 0.618% जो लेवल है बहुत ही मेजर सपोर्ट रहता है, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का भी काम करता है, बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम भी करता है जैसी रैली हो उस तरफ। यहाँ पे अगर रैली यहाँ पे खत्म होनी चाहिए थी 2600 के आसपास में, तो यहाँ से आज बाजार ने 750 को भी क्रॉस किया, 700 को भी क्रॉस किया है, तो यहाँ पे बाजार होगा क्या? तो हरी लाइन मैंने मार्क की, इसको देखने की कोशिश की थी, एक सपोर्ट लाइन है बेसिकली, कि ये 7500 के आसपास जहां से बाजार ने सपोर्ट लिया था वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा जब अगर ये फॉल कभी भी स्टार्ट होता है, और अगर ये फॉल इसको क्रॉस कर जाता है, तो इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा 6,790 के आसपास में, ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये मेजर सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद में अल्टीमेट सपोर्ट जो बाजार का रहेगा वो रहेगा 6,311। तो जो लोग भी ये उम्मीद लगा रहे हैं बाजार 5,000 चला जाएगा, 6,000 चला जाएगा, 7,000 चला, तो जो लोग भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बाजार 5,000 हो जाएगा, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अगर ये बहुत ही खराब से खराब स्थिति अगर आती है, मान लीजिए हम इसको रिसेशन का नाम भी लें और वर्ल्ड रिसेशन की दोबारा से बात करें, तो बाजार फिर भी 6,300 को बहुत ही मेजरली रिस्पेक्ट करने वाला है इस पूरे साल के लिए। इस साल को खत्म होने के लिए कुछ महीने बचे हैं दोस्तों, अगर हम अक्टूबर नवंबर तक की बात करें तो कुछ चुनिंदा महीने बचे हुए हैं। स्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी, कहीं ना कहीं बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, और ये भी हो सकता है कि जब चौतरफा जब FIIs का आपको टोटल बाइंग दिखाई देगी, आपके बाजार में FIIs आ गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि बाजार में स्मार्ट मनी आ गई है, अच्छा खासा पैसा बाजार में आने लगा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम लोग तो हमेशा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, और जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स नहीं स्टार्ट किया, बार बार कह रहा हूँ स्टार्ट कर दीजिए, आपको दोबारा ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स हैं अलग अलग कंपनीज के, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट का सही समय कभी नहीं होता दोस्तों। आप जब मर्जी इन्वेस्ट कीजिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंटिन्यू हुई लाइफ टाइम के लिए, आपके 10, 12, 15 साल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सके। ये मेजर सपोर्ट्स आपके सामने वहां की है दोस्तों। बाजार अगर बहुत ही फ्री फॉल यहां से अगर बाजार में आने लगता भी है, तो बाजार क्रिटिकल कंडीशन में जाके हो सकता है 4,709, जो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे लगता है नहीं आएगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा। तो इसलिए बाजार में जो भी ये करेक्टिव रैली जो खत्म होगी वो 0.786 मैक्सिमम 11,436, जो बिल्कुल 100% बुल ट्रैप जोन होगा, जहां पे लोग बैठ जाएंगे तेजी में कि हाँ तेजी आ गई, बट ये सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों, ये सस्टेन नहीं करेगा। 0.618 को भी सस्टेन नहीं करना चाहिए। यहां से बाजार जब वापस पुल बैक आना स्टार्ट होगा तो बाजार फिर जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, आप देखिए बहुत आसान है, अपने सपोर्ट्स को आप मार्क कर सकते हैं। 9,000 का सपोर्ट मैंने आपको कहा था पहले, हम बात करते हैं 9,000 से ऊपर जैसे ही बाजार चलेगा एक रैली आएगी, 9,000 से ऊपर जैसे ही बाजार चला बाजार बहुत तेजी में आ गया। अब यहाँ पे अब देखिए जो सपोर्ट रहेगा मेजर सपोर्ट बाजार का रहेगा 9,000 के आसपास का, 9,038 के आसपास का, जो वही 40% के आसपास की, इस कंप्लीट मूव का 40% के आसपास होगा, तो एक मेजर सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है। वहां से बाजार अगर रिकवरी देता है फिर बाजार चले तो मजा आएगा दोस्तों, उस मौके का इंतजार कीजिए। वापस निफ्टी अगर यहाँ से गिरती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ 9,000 तक आ सकती है, 9,000 बाजार आएगा तो वहां पे आप अपना पैसा लगाने की शुरुआत कर सकते हैं, आपको शुरुआत तो अभी कर देनी चाहिए, वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और डरिए मत, डर के आगे जीत है, बाजार हमेशा सरप्राइज करता है, यही बाजार का नाम है दोस्तों। समझ लेते हैं बाजार चल क्यों रहा है, बाजार में ऐसी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है जिससे बाजार के चलने की वजह समझ में आती हो। इंडिया रशिया को बीट करके नंबर 3rd कंट्री बन गया है कोविड के मामलों में दोस्तों। या तो कोविड नहीं था या कोविड एक ब्लफ था, अब समझ लीजिए समझने वाली बात है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिबेट चल रही है मीडिया के ऊपर में कि कोविड एक ब्लफ था। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, एक वीडियो भी मैंने बनाया था, सच या साजिश, मुझे ये साजिश दिखाई देती है, शुरू से साजिश दिखाई देती है। अगर कोविड है, अभी तक उसकी दवाई नहीं आई है, तो बाजार में पॉजिटिविटी है कहां? इंडस्ट्री ठप है, GDP ठप है, मैन्युफैक्चरिंग ठप है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप है, सरकारें नहीं काम कर पा रही है, जियोपॉलिटिकल हालात खराब है, इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन है, अमेरिका चाइना टेंशन है, बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स अक्रॉस दी नेशंस है, अक्रॉस दी ग्लोब है, जहां पे टेंशन है, इकोनॉमी ठप बैठी हुई है, US की हालत खराब है, ब्रिटेन की हालत खराब है,
इंडिया की हालत खराब है, चाइना की हालत खराब है, पूरे वर्ल्ड ने चाइना को घेर के रखा है इस सस्पिशियस एंगल से कि कोविड उसका प्लॉट किया हुआ गेम है। दोस्तों अगर कोविड इतना ही खतरनाक होता तो यहाँ पे लाखों लोग मर जाने चाहिए थे। सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लाखों लोग मर जाने चाहिए थे। बहुत सारी ऐसी स्टोरी अभी तक यूट्यूब पे आ चुकी है, सोशल मीडिया पे आ चुकी है, जिनको मैं नहीं दोहराना चाहूंगा, कि रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में शायद ट्यूबरक्लोसिस से ज्यादा लोग मर जाते हैं, उससे भी बहुत ही कम, ना के बराबर लोग कोविड 19 से मरे हैं। एक ऐसा वायरस है जिसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों की हालत खराब हो जाती है, फॉर श्योर एक ब्रीदिंग सिंड्रोम है, ब्रीदिंग इशू है, इन्फ्लुएंजा है, उसकी वैक्सीन नहीं आ रही है। दोस्तों या तो वैक्सीन है ही नहीं या वैक्सीन दी नहीं जा रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए हुआ क्या। अगर सब कुछ पूरे वर्ल्ड में ठीक था तो सारी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स वी शेप रिकवरी में चली गई। हिंदुस्तान की रिकवरी तो 84 डिग्री से हुई है, मतलब जितनी शार्प फॉल आया था उतना ही शार्प रिकवरी। तो 7,500 के लेवल से 10,700 का लेवल माइंड ब्लोइंग रिकवरी है, ऐसी रिकवरी तो कभी देखने को नहीं मिली है। तो अगर ये रिकवरी है और हमेशा के लिए है तो सस्टेन नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। जो लोग यहाँ पे बुल ट्रैप में फंसेंगे वो जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। जितने भी नए निवेशक है दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी नए निवेशक हैं अगर बाजार में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, आप मुर्गा नहीं है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। बाजार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं, जहां पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, कोई कमीशन नहीं ली जाती, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो, ग्रो कैन बी अ रियली हेल्पफुल ऐप। दोस्तों बहुत ही आसान ऐप है जिसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियोस मिल जाएंगे, स्क्रीन पे इसकी डिटेल्स आपको मिल रही है कि ऐप कैसी है, आप उसमें अकाउंट खोलिए, फ्री इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में। समझिए अब करना क्या है, इन्वेस्टमेंट हुई, बाजार का तमाशा देखिए, बाजार में जो रिकवरी आई है उसको झेलिए, खड़े हो जाइए, यहां से एग्जिट कीजिए, बाहर आ जाइए। जो लोग यहां एग्जिट नहीं होंगे उनको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ट्रैप से मत फंसा कीजिए। बाजार में बुल रैली तब तक नहीं आती है जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आप इस रैली को देखेंगे तो रैली चुनिंदा शेयर्स के दम पे हुई है, बिल्कुल चुनिंदा शेयर्स के दम पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी 50 में मोर देन 40% शेयर्स ने रैली दी हो, खाली 5, 6 या 7 स्टॉक्स ने रैली दी है जिसके दम पे निफ्टी 10,700 को पार कर गई है। आज 6 जुलाई है, 3 बजे के आसपास इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी आप मेरा मैसेज समझ पाएंगे कि बाजार में एक कॉशियस अप्रोच है, लिक्विडिटी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, GDP इसमें सुधार नहीं है, IMF ने भी बहुत ही खराब संकेत दिए हैं वर्ल्ड की GDP को लेके। तो अगर पूरे वर्ल्ड की GDP, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी होती है, बेसिक नीड से जुड़ी होती है, हमारी डिमांड सप्लाई से जुड़ी होती है, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है, फाइनेंस की हालत खराब है। दोस्तों फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया बहुत टाइम से, इसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। मेरा डर है, मेरा अनुमान है दोस्तों कि ये जितनी भी दिल्ली हैवीवेट स्टॉक्स ने दी है, अगर करेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये वही स्टॉक्स सारे के सारे वापस से क्रैश होंगे। क्रैश वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों, सब में वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब आप कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग करेगा कौन, जिन्होंने माल लिया था वही प्रॉफिट बुकिंग करने वाले। आपने हमने लिया क्या, आपने 200, 400, 500 शेयर लिए। दोस्तों टाइम टू टाइम आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ जो एक पोटेंशियल रैली आपको अभी भी दे सकते हैं। BHEL वॉज वन ऑफ देम, BHEL ने बहुत जबरदस्त रैली दी, 28 रुपीज से 41.50 रुपीज आज हो गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी परसेंट रिटर्न आई है। इक्विटास की हमने बात की थी, 48 रुपीज हमने एंट्री की थी, 56 रुपीज तक गया, वो भी बहुत शानदार रिटर्न थी। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसे स्टॉक्स को आपको फाइंड आउट करना होगा। हर खराब से खराब सिचुएशंस में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग पे जोर देना होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कौन से शेयर्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू से कम चल रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री बहुत ही शानदार है, वो इंडस्ट्री में आउट परफॉर्मर हो सकते हैं, इंडस्ट्री के मल्टीबैगर हो सकते हैं, अगर आपने उन शेयर्स को पहचाना। फंडामेंटल्स को स्टडी करने का बिल्कुल सही समय है। आप देखिए ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ के बाद चल सकते हैं। दोस्तों 31 मार्च को एक वीडियो बनाया था जहाँ 6 शेयर्स की बात की थी और 6 के 6 शेयर्स ने आउट परफॉर्म किया। आप शेयर्स को ढूंढना सीखिए, ढूंढिए, छोटा मोटा एनालिसिस करना सीखिए। आप देखिए बाजार कैसे चल रहा है, उसको बड़े एंगल पे देखने की कोशिश कीजिए। माइक्रो एंगल पे आपको हमेशा चीज समझ नहीं आती है, माइक्रो एंगल पे, बड़े मेजर एंगल पे आपको समझना पड़ता है। दोस्तों माइक्रो एस्पेक्ट हमेशा आपको आज कल परसों की बात कर सकते हैं, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल पिलर्स की। फाइनेंशियल पिलर्स इस समय स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, और अगर ये वी शेप रिकवरी, इतना शार्प रिकवरी सस्टेन कर जाती है तो इसका मतलब कोविड 19 एक ब्लफ था, दुनिया को पागल बनाने का एक टूल था, इंस्ट्रूमेंट था, जिस खेल को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज ने मिलकर रचा है।
मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को हमेशा से कहता आया हूँ, आपको हमेशा बताता आया हूँ कि मुझे इस पे हमेशा डाउट रहा है। हाँ, एक वायरस है, कोई शक नहीं है, पर एक वायरस इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दे, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्या हो गया जहां बड़े बड़े देश जो पेंडेमिक की एक्सरसाइज कर रहे थे अक्टूबर 2019 में, जिसके ऊपर वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं दोस्तों, वो उस एक्सरसाइज को पहले करने में कामयाब हुए। उनको मालूम था कि ये सिनेरियो क्या होने वाला है, कितने महीने में कितने लाख कैजुअलिटीज होंगी, कितने महीने में कितने लाख लोग परेशान होंगे, तो वो इस दवाई को आज से पहले क्यों नहीं बना रहे थे? और अगर कोरोना वायरस को लैब में बनाया ही जा रहा था तो इसकी दवाई को क्यों नहीं बनाया जा रहा था? जब पॉइजन होता है तो उसका एंटीडोट भी तैयार किया जाता है दोस्तों। अगर एंटीडोट भी तैयार नहीं हुआ तो आप कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी फेल हो गई इसका मतलब? दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। यूएस इकोनॉमी वॉज अंडर क्राइसिस, लेट मी टेल यू। जो यूएस इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल एकदम भर भरा के गिरने वाली थी, खराब होने वाली थी। उससे पहले लोगों को माल चिपकाया गया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत जबरदस्त पॉजिटिव कर दिया गया है, लोगों को एक बुल ट्रैप में फंसा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं बहुत ही बोल्डली आपको एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स फॉर सम टाइम, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, यस, अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी दोस्तों। हर समय, हर वक्त आपको अंडर परफॉर्मर्स मिलेंगे, हर समय आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके पास इंडस्ट्री को कैप्चर करने का पूरा पूरा मौका होता है। ऐसे स्टॉक्स आपको हमेशा मिलेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह से अपना स्टेक बेचते चले जाएंगे और भाव कहीं से कहीं चला जाएगा। दोस्तों, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे कर्जे खत्म हो जाएंगे, जब पूरी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, लोगों के पास देने के लिए कुछ होगा नहीं, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या होगा? अगर फेयर बुक वैल्यू की अगर बात करें तो फेयर वैल्यू उसकी 1200 1250 के आसपास की बनती है। 1800 को पार कर गया है आज रिलायंस, 1850 को भी पार कर गया है। हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर वो 1300 1365 के आसपास को क्रॉस करता है तो 1700 1720 के आसपास जा सकता है। उसने उसको भी क्रॉस कर दिया है। ऐसा क्या हो गया है जो चुनिंदा कंपनीज को समझ में आ रहा है, पूरी इकोनॉमीज को समझ में नहीं आ रहा, पूरे स्टॉक मार्केट को समझ में नहीं आ रहा? आप मेरा इशारा समझ गए दोस्तों। जब बाजार में लिक्विडिटी ना हो, बहुत जबरदस्त बाइंग ना हो, बाजार ब्लफ कर रहा हो और आपको लग रहा हो कि चारों तरफ सेंटिमेंट पॉजिटिव कर दिए गए हैं, आपको लगता है आप तो बिल्कुल कंट्री अनलॉक में चले गई है, कोई लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक हो गया सब कुछ में, सभी चीजें पटरी पे आ गई है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी उम्मीद जिंदगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदल चुकी है इस लॉकडाउन के बाद में, इस कोविड-19 के बाद में, और आगे भी बदलती रहेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टॉक मार्केट में नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अकाउंट खोलो, कहीं भी खोलो, आप मेरे लिंक से खोलो, किसी और के लिंक से खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट खोलते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, आपको क्या नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आप तो कहीं भी अकाउंट खोल सकते हैं, खोलिए, अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, जहां आपका मन करता है, जहां आपकी इच्छा है वहां खोलिए। शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए। ग्रो ऐप का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो फ्री ऐप है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, किसी ब्रोकर को कोई चार्जेस नहीं देना, आपका पूरा का पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो फ्रैक्शन ऑफ मनी, जो 0.25% के जो खर्चे बचते हैं, उससे आप कंपाउंडिंग में बहुत जबरदस्त पैसा बना सकते हैं। कंपाउंडिंग के क्या फायदे होते हैं, एक नया वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। एक दोस्त के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ रहा है तो ये सही समय है अपना प्रॉफिट बुक कर लेने का, क्योंकि या बाजार जब अपना खेल करने लगेगा तो आपको उस समय एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सोशल मीडिया सर्कल पे इसको शेयर करना ना भूले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे सब भाग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।